गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन बायो। स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी ए नेक्स्ट टॉपिक ब्लड। इससे पहले हमने आपको ब्लड के बारे में कुछ बताया था, आज हम बात करेंगे फिर ब्लड के बारे में। स्टूडेंट्स, द ब्लड इज ए एसेंशियल या आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स सच एज। ब्लड के अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सच एज प्लाज्मा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ब्लड में फोर टाइप्स के टिश्यू या फोर टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। इसमें बताया है प्लाज्मा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं चारों के बारे में बात करने वाले हैं। बात करते हैं पहले प्लाज्मा की, ठीक है। प्लाज्मा होता क्या है? देखिए, प्लाज्मा इज द सेल फ्री मैट्रिक्स। प्लाज्मा के अंदर सेल फ्री मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं गाढ़ा पदार्थ होता है। इसमें सेल कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। आपका ब्लड, इट कंटेन्स प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर मेनली हम देखते हैं प्रोटीन्स, शुगर, हार्मोन्स एंड सम मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो हम बात करें अगर प्लाज्मा की, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है, तमाम प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रोटीन जो होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन एंड ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेशर जब होता है उसको यह प्रोवाइड करता है, कौन, एल्ब्यूमिन। एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन्स आर ए रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी इम्यून अगेंस्ट। बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब प्रतिजैविक क्षमता को, किसी डिजीज को लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी की जो क्षमता हो बनाने के लिए ग्लोबुलिन प्रोटीन्स कार्य करता है। इसके अलावा फाइब्रिनोजन जो होता है यह रिस्पांसिबल होता है, यह भी फाइब्रिनोजन जो है रिस्पांसिबल होता है इम्यून सिस्टम बनाने के लिए हमारी बॉडी पार्ट, ठीक है। तो यह बात हुई प्लाज्मा की। आइए हम बात करते हैं आरबीसी की। अब ये जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी हमारी बॉडी में डिफरेंट अमाउंट में या एक मेनी मेनी ब्लड पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स बॉडी में डिफरेंट अमाउंट्स में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। इसका एक और नाम होता है
erythrocytes. Students, RBCs have life cycle in human being are 120 days का समय होता है हमारी बॉडी पार्ट्स में आरबीसी का. आरबीसी हमारी बॉडी में 120 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद डेड हो जाता है. हमारी बॉडी में परमानेंटली हमेशा बॉडी सेल में रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं. ये बनता रहता है, डेड होता रहता है, ठीक है. तो हमारी बॉडी में 120 दिन तक यह रहता है, 120 डेज, ठीक है. और अगर हम बात करें आरबीसी का, आरबीसी का जो फंक्शन होता है यह ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है हमारी बॉडी पार्ट में और लेकर जाता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है क्या, हीमोग्लोबिन को, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ हमारा ऑक्सीजन, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है लंग्स टू टिश्यू, लंग्स से टिश्यू, ठीक है. हमारी बॉडी में जो लंग्स होता है, लंग्स से टिश्यू में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है. और हीमोग्लोबिन होता किसमें है, रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी. और आरबीसी की जो डेज होती है 120 डेज होती है. क्लियर हुआ. आरबीसी का फंक्शन ही होता है कि वह हीमोग्लोबिन को डिनोट करता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को हमारी बॉडी पार्ट्स में ले जाता है लंग से डिफरेंट टिश्यू में. क्लियर. तो चलिए आगे हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी. व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड लिपोसाइट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स हैव 2 to 4 डेज इन ह्यूमन बॉडी. ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है हमारी बॉडी में 2 से 4 दिन के अंदर रहता है, इसके बाद डेड हो जाता है, ठीक है. और अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है यह हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरसेस, फंजाई एंड अदर फंजाई एंड अदर जितने भी टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करता है, यह एक्सपोज कर देता है. क्या करता है, एक्सपोज करता है, मतलब इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है. क्लियर है. और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है यह 3 टाइप्स का होता है, मैंने आपको इससे पहले बताया होगा, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल एंड बेसिनोफिल होता है. न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल एंड बेसिनोफिल प्रेजेंट्स होता है किसमें, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है. अब आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में. प्लेटलेट्स, देखिए प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स जो होता है इसका एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है. क्लियर है. इसका भी नाम लिख लेंगे एरिथ्रोसाइट्स. देखिए प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स आर हैव ए स्मॉल न्यूक्लियर, ए स्मॉल न्यूक्लियर बॉडीज दैट इज स्टार
ब्लीडिंग, दैट इज स्टॉप ब्लीडिंग। ये थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग पार्ट्स को स्टॉप करता है या रोकने में हेल्प करता है। क्लियर, स्टॉप द ब्लीडिंग एंड एड द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में कहीं पर पार्ट कट हो गया तो कट होने के बाद क्या होता है, ब्लड निकलता है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है, उस कटे हुए पार्ट पर एक लेयर बना देता है जहां से ब्लीडिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाती है और हमारे ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट्स में कोगुलेट करती है, चलने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का। क्लियर, ये चारों पार्ट्स में ब्लड के, पहला प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अब आगे हम बात करें उनके फंक्शन की, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें ब्लड के फंक्शन की, हम देखते हैं जो मेनली इसका फंक्शन होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑल एसेंशियल सब्सटेंसेस। ब्लड जो है सभी एसेंशियल सब्सटेंस में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी, जो बॉडी को जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से वह ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसीज की बात अगर हम करें, आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आरबीसी क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर, और यह एनर्जी कास्ट करता है, यह एनर्जी हमको कहां से मिल जाता है, फूड मटेरियल्स। क्लियर, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी जो करता है वह डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है, फाइट द डिजीज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटी टॉक्सिन एंड एंटी टॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटी टॉक्सिन, मतलब कोई अगर हमारी बॉडी में कोई हार्म सब्सटेंस बन रहा है तो उसमें क्या करता है, डब्ल्यूबीसी उसको एक एंटी टॉक्सिन बनाता है और उसको नष्ट कर देता है, या फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। आजकल आपने देखा होगा कोविड-19 में जब कोई मरीज ठीक हो जाता है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी ज्यादा बनने लगती है, उसकी एंटीबॉडी को निकालकर एक संक्रमित व्यक्ति को उस एंटीबॉडीज को लगा दिया जाता है ताकि उसके अंदर भी एंटीबॉडीज आपकी तेज मात्रा में बनना स्टार्ट हो और वह मरीज ठीक हो जाए। तो एंटीबॉडीज किसमें बनती है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम बात करें उसके बाद उसके नेक्स्ट फंक्शन की, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड हेल्प डिसइंटीग्रेट साइट ऑफ इंजरी एंड हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन, प्लेटलेट्स या कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर, तो ये रहा आपका ब्लड और ब्लड का फंक्शन। क्लियर है, आगे हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टाइप का, नेक्स्ट टाइप का नाम है लिम्फ। ब्लड तो आपने जान लिया, अब जानते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ जैसे ब्लड में खून होता है ना, तो इसे लिम्फ में होता है लसिका, लसिका। ठीक है, तो लिम्फ जो होता है, लिम्फ इज एक कलरलेस वैस्कुलर फ्लूइड, यह क्या होता है, एक कलरलेस वैस्कुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, ऐसा होता है, कलरलेस वैस्कुलर फ्लूइड होता है ड्यू टू, क्यों कलरलेस होता है, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ आरबीसीज।
क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती है, रेड ब्लड सेल्स नहीं होती, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी जो होता है वो रेड होता है। क्लियर है? तो ये कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। लिम्फ इज ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लड, लिम्फ जो है ड्राइव होता है फ्रॉम द लिम्फ कैपिलरीज। कैपिलरीज मीन्स होती है नलिकाएं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, इसके द्वारा लिम्फ जो है उसमें ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, एक फिगर में आपको दिखाता हूं लिम्फ का। देखिए हमारी बॉडी पार्ट्स में लिम्फ ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है। ये देखिए ये फिगर, ये देखिए बॉडी पार्ट्स में लिम्फ बना हुआ है, ठीक है, लिम्फ है ये। तो देखते हैं हम कि लिम्फ जो होता है ब्लड की तरह नहीं होता है, ठीक है, और देखा जाए तो लिम्फ का फंक्शन दिस इज ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, सम सब्सटेंसेस सच एज CO2। लिम्फ का कार्य है कि कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे CO2 हुआ आपका, O2 हुआ, ऑक्सीजन हुआ, एंड सम ग्लूकोज, ग्लूकोज एटसेट्रा। लिम्फ क्या करता है? हमारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का, एंड डिफरेंट टाइप्स के एमाउंट्स का। और यह कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? यह ब्लड से फिल्टर करके, ब्लड से फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को प्राप्त करता है और हमारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस सिस्टम, या हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम, यह इम्यून सिस्टम में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए यह वर्क करता है हमारी बॉडी पार्ट्स में, और प्रोटेक्शन देता है हमको इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से हमको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है। कौन? लिम्फ। तीसरी अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो इट टेक्स वेस्ट मटेरियल, यह क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको बाहर ले जाने में हेल्प करता है, और टिश्यू से फ्लूइड में ले जाने में, जैसे नाइट्रोजनस सब्सटेंस हुआ, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस हुआ, और क्या कह लीजिए CO2 हुआ। हमारी बॉडी पार्ट से CO2 क्या है? बाहर निकलती है ना, तो कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस और CO2 सब्सटेंस को हमारे क्या करता है? बाहर निकालने में हेल्प करता है। कहां से? टिश्यू फ्लूइड से, टिश्यू फ्लूइड से, एंड ट्रांसफर इनटू द ब्लड। क्या करता है? ब्लड को ट्रांसफर करता है। कौन? लिम्फ। क्लियर? क्लियर हुआ? तो आज हमने आपको ब्लड और लिम्फ के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही, आगे का